उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसका नया गवर्नर मिल गया है। वित्त आयोग के सदस्य शक्तिकांत दास को आरबीआई का नया चीफ बनाया गया है। शक्तिकांत दास इससे पहले आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। केंद्र से विवाद के बीच उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं निजी कारणों की वजह से गवर्नर पद छोड़ रहा हूं। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी कि मैं इतने वर्षों तक आरबीआई के साथ अनेक भूमिकाओं में रहा। भले ही आरबीआई गवर्नर ने इस इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताया, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सरकार के दबाव की वजह से ही उर्जित पटेल ने अपना पद छोड़ा। इसे लेकर ही विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार राष्ट्रीय संस्थानों को अपने कब्जे में करना चाहती है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों के बीच पीएम मोदी ने वित्त मंत्री के साथ बैठक कर नए आरबीआई गवर्नर के नाम पर मुहर लगा दी है। वित्त आयोग के सदस्य शक्तिकांत दास को आरबीआई का नया चीफ बनाया गया है। शक्तिकांत दास इससे पहले आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले साल वह इस पद से रिटायर हुए थे। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले में भी इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से मास्टर्स डिग्री लेने वाले शक्तिकांत दास ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ज्वाइंट सेक्रेटरी, तमिलनाडु सरकार के स्पेशल कमिश्नर और रेवेन्यू कमिश्नर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और अब वो आरबीआई गवर्नर का पद संभालेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।